वैसे तो कछु जने बद्री विशाल के दर्शन आए थे, लेकिन हमारे जैसे पाखंडी के चक्कर में पड़े हैं, पापी के चक्कर में पड़े हैं। हम तो महान नालायक और धूर्त हैं। हम पर कोई भी श्रद्धा मत रखो, जो श्रद्धा रखनी है इन संतों के चरणों में, बागेश्वर बालाजी के चरणों में रखो। हमारे पास आओ, चलो हमें तीन तीन चोटी चालू है लाइट। तीन दिवसीय आयोजन को सिर्फ एक दिन का करके और बद्री विशाल भगवान के दर्शन करने। विशाल, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल YB Vlogs में। और आज बद्रीनाथ धाम में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम के संत, वो बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहां पर उनके आने की जो पूरी तैयारियां है वो हो चुकी है। और यहां पर देखिए सभी लोग उनके इंतज़ार के लिए, पुलिस की गाड़ियाँ भी हैं यहां पर पहुँच चुकी हैं अभी। और अभी सभी लोग बाबा जी के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेलीकॉप्टर जो है बस 30 सेकंड में यहाँ पर लैंड करेगा। बागेश्वर धाम सरकार की जय। और अभी पंडित जी जो हैं वो यहाँ पर अंदर विश्राम करने के लिए चले गए हैं। थोड़ी देर बाद जब मंदिर जाएंगे उस समय मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से मंदिर जो है वो 500 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ से जब शास्त्री जी मंदिर के लिए निकलेंगे तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं महाराज जी को देखने के लिए, कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर भक्त बद्रीनाथ धाम में अभी पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा संख्या में। कब कराने उनको दर्शन और आगे से करना है और आगे और आगे। राम रामचंद्र के जय।
बागेश्वर धाम की जय, विशाल धाम की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, सन्यासी बाबा जी। और अभी जो बागेश्वर धाम महाराज जी हैं वो खासियों का आसन के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं महाराज जी के साथ में हैं। आप चौक वाले महाराज यहाँ पे आ रहे हैं, वाले महंत जी की जय। एक मिनट महाराज जी, बच्चों जय बजरंगबली, जय बद्री विशाल, जय सीताराम, कैसे हो? हमारे पास आओ, क्या हमें तीन तीन चोटी बोल, बागेश्वर धाम महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र जी महाराज की जय। चालू है लाइट? महाराज जी, महाराज जी वो सामने देखो, ये देख लो सारी गंदगी महाराज जी सीवर टैंक है, तो ये रिकॉर्ड करो, ये सारी गंदगी जी देखो सारी की सारी डायरेक्ट, और उसके बाद इतना बोलने के बाद भी कोई ध्यान ही नहीं महाराज जी, देखिए सारा साफ दिख रहा है, पूरी पत्नी आपका और विश्वास और प्रेम के साथ हरिद्वार ऋषिकेश में लोग बोलते लगाते हैं, और शुरुआत यहीं से है, और सबको दिखा रहे हैं बता रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं, जो कि इस प्लांट की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी महाराज जी, गाय का प्लांट है ये, सेफ्टी टैंक का उसके ट्रीटमेंट प्लांट नमामि गंगे के, बद्रीनाथ की सारी गंदगी निकलती है, ये महाराज जी बिल्कुल नीचे था, तो प्रणाम करो, कोई बात नहीं, चलते रहो साथ में चलते भी रहो। ये महाराज जी पंच प्रयाग है, ये पूरा नदियों का अलकनंदा, ऋषि गंगा, कुरुम धारा, प्रहलाद धारा और गर्म देव, और उस पे संगम के ऊपर महाराज जी ये ऐसी चीजें बनाई हुई, देखना जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जकी, जय चौक वाले महंत जी की जय, बढ़िया संत भगवान आ गए, कल्याण कार्तयुगम स्वधर्मम प्रख्यापयन् नरहितेषु नराधिकेषु आद्यङ्गमप्यधिगतं रथमष्टचक्रं बन्धुस्तदां बद्रिकाश्रमता पशूनः। भगवान बद्रिकाश्रम की इस नगरी महाराज आपका स्वागत है, बहुत सनातन के लिए जितना आप कर रहे होते हैं, क्या बात है, बागेश्वर धाम सरकार की जय। क्या हाल है मामा, क्या हाल है भी, फोटो ले लो, हाल है ले लो, फोटो ले लो भाई, क्या हाल है भाई जी, बोल ना बंदर कोट पैंट्स वाले बाबा आने उनका मजा आता है, चलो वीडियो बता, तुमने किस की तपस्या की, क्या सब सवाल पूछा तुमने, कौन से भगवान की तपस्या की, मानी मंदिर आई रास्ता। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महाराज जी के स्वागत के लिए खाप चौक में जो सभी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गांव के लोग भी खाप चौक में अभी महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं, उनकी जो माता जी थी वो कल ही यहाँ पर पहुँच चुकी थी, उनके भी दर्शन हो चुके हैं अभी, और अभी खाप चौक में मंदिर में जो महाराज जी हैं वो दर्शन के लिए आ रहे हैं। जय महाराज जी, महाराज की जय हो, आराम से बोलो, हनुमान जी महाराज की जय। एक मिनट थोड़ा
अकस्मात कुछ होता नहीं है, नियति और परमात्मा ये पहले से सब कुछ निश्चित करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलही ना संता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। दोनों चौपाई बड़ी विरोधाभास की है। एक तरफ कह रहे हैं पुण्य पुंज बिनु मिलही ना संता, एक तरफ कह रहे हैं कि बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। अब हमें संत मिल गए तो हम निर्णय कैसे करें कि पुण्य उदय से मिले कि हरि कृपा से। और किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, आप ही बताओ, पत्रकारों ने पूछा, गोस्वामी जी ने मुस्कुराता हुआ बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले सुनो, बोले जब तुम चलकर संतों के पास जाओ तो समझना हमारे पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा। तो हमें लगता है कि इन संतों ने आज्ञा दी और आज हमारे माता पिता और पूर्वज जनों के पुण्योदय भय जो हमें संतों के और भगवंत के, संत और भगवंत इन दोनों के दर्शन। रामायण का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वैसे तो कछु जन है बद्री विशाल के दर्शन आए थे, लेकिन हमारे जैसे पाखंडी के चक्कर में पड़े हैं, पापी के चक्कर में पड़े हैं। हम तो महान नालायक और धूर्त हैं, हम पर कोई भी श्रद्धा मत रखो। जो श्रद्धा रखनी है इन संतों के चरणों में, बागेश्वर बालाजी के चरणों में रखो, क्योंकि वही दयालु है। हम तो माध्यम है, साधन है, साध तो परमात्मा है। जटायु जी के पंख रावण ने काट दिए, जटायु जी जमीन पे गिर गए। कान भरने वाले लोग होते ही हैं खतरनाक। पहुंच गए वो, बड़े सीताराम 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 करते थे, अब कट गए पंख काले हो, अब तो उड़ भी नहीं पाओगे तुम। दिन ना रात सीताराम बोलते थे, अब पंख भी नहीं बचे, अब क्या करोगे। अब तुम्हारे राम जी ने बचा लिया। जो कुतर्की लोग होते हैं वो ऐसी बातें करते, तुम्हारे राम जी आ गए, बड़े राम 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 करते थे, जिंदगी निकाल दी, ना राम जी बचाने आए, पंखा और कट गए, अब उड़ भी नहीं पाओगे। जो पहले पंखा आते उन बहाने कम से कम अयोध्या ही चले जाते। जटायु जी आंखों में आंसू भरकर बोले, ठीक कहा तुमने, ठीक कट गए। तो व्यक्ति चौंक गया, बोले ऐसा क्यों कह रहे कि ठीक कट गए। जटायु जी हाथ जोड़कर बोले, भैया भगवान की बड़ी कृपा है, जो हमारे पंख कट गए ये भगवान की कृपा है। तो उस व्यक्ति चौंक गया कि पंख कटने पर क्या कृपा है। बोले सुनो, अगर पंख होते हमारे तो हमें उड़कर जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो परमात्मा को चलकर हमारे। अब भगवान की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हम पर साधन होगा तो हमें परमात्मा के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास साधना होगी तो परमात्मा को हमारे पास। इसलिए संसार में आप साधन मत जोड़ो, साधना को जोड़ो। इन संतों के चरणों में ही साधना मिलती है, उन साधना को आप पकड़ लोगे तो फिर आपको परमात्मा के दर पे नहीं जाना पड़ेगा, परमात्मा तुम्हारे दर भागा भागा चला। पाछे पाछे हरि फरे कहत कबीर, कबीर पाछे पाछे परमात्मा संतों के घूमते हैं। ऐसे संतों के चरणों में अपने भाव श्रद्धा को रखो। हम तो नालायक हैं, हम तो निकृष्ट जीव हैं, लेकिन आप सबकी करुण कृपा बनी रहे कि हमें सद्बुद्धि बनी रहे और संतों के चरणों में तीर्थों में हमारी प्रीति बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और अकस्मात भले ही दर्शन आप सबके भय, हमें लगता है ये बद्री विशाल की पहले से ही नियति थी कि तुम पहुंचो और वहां पर हम मिलेंगे। बस अंत में यही कहेंगे, इन संतों का प्रताप बना रहा, आप सबका स्नेह बना रहा, भूदेव ब्राह्मणों का बरद हस्त बना रहा है, तो सनातन विरोधियों की छटरी बढ़ती रहे। क्या बना दिया उस पे, सीवरेज प्लांट बना दिया और उसका गंगा जी में जल जा रहा। हमें ये देख करके बहुत दुख लगा है, क्योंकि गंगा माता हमारी भारत की पवित्र मैया है और घर घर नहीं पूरी दुनिया में इनका आदर है। इसलिए यहाँ के जो प्रशासन होगा, अध्यक्ष होंगे, उनसे भी हम कहेंगे कि एक बागेश्वर धाम की साधु पीठ की आज्ञा मानकर और इस कार्य को तुरंत बंद करवाकर दूर रखा जाए, जैसे पहले 3 किलोमीटर था, ताकि गंगा मैया पवित्र थी, पवित्र रहेंगी और पवित्र ही बनेंगी। ये हमारी मंगल कामना है, और अगली बार हम आवे तो हमें जो है ये कार्य मिले तो हमें अति प्रसन्नता होगी, और हम बद्री विशाल भगवान से प्रशासन यहाँ के कार्य व्यवस्था देख रेख वालों को और मंगल कामना और साधुवाद देते हैं।
इसी के साथ सब लोग दर्शन करो, हमारे पास है ना पढ़ो। बोलो बागेश्वर धाम की जय। अरे भगवान के पागल है। और अभी बाबा जी जो है थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए यहाँ पे चले गए हैं, और अभी मंदिर 3 बजे खुलेगा, उसके बाद जो है जो बाबा जी हैं वो दर्शन के लिए भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में जाएंगे। बोल दे होटल वाले का उसे ले लिया फसा लीजिए बढ़ते रहो भैया आगे बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। अरे यार आगे बढ़ा व्यवस्था, आगे आगे बढ़ा बेटा, यहाँ खड़ी बेटे खड़े पीछे, तुम क्या व्यवस्था कर रहे हो? मैं आगे बढ़ा चले पीछे 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 भगवान बद्री विशाल जी के सामने यहाँ पर अभी जस्ट जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके दर्शन जो है मंदिर के दर्शन में हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन के लिए दर्शन करके जो बाबा जी हैं वो बाहर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पीछे, आप लोग देख सकते हैं जो दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे वो सारे बाबा जी के दर्शन करने के लिए भी यहाँ पे रखे हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर अभी हो चुकी है। जो बाबा जी हैं वो बद्रीनाथ से निकल रहे हैं, पीछे आप लोग गाड़ियाँ देख सकते हैं, सायरन शायद आपको सुनाई दे रहा होगा, वो जस्ट हेलीपैड पे बस पहुँचने ही वाले हैं अभी। एक टीम के साथ भी होगी महाराज जी उसके बाद जी महाराज जी हमारी फ्री फ्लाइंग बाकी लोग जय श्री राम तन पीछे के लिए पीछे जाओ पीछे 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 जाओ यहाँ से हमारा जिसका आज्ञा लेकर बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में पुनः जा रहे हैं। कल 6 तारीख है, कल वहाँ पुरानी पेशी का दरबार लगना है, 7 तारीख से हम मंदसौर में कथा में पहुँचेंगे। बद्रीनाथ भगवान के चरणों में पुनः पूरे विश्व कल्याण की मंगल कामना की है जी, समूचे भारत में सनातन संस्कृति की बहार ऐसी दंडवत प्रणाम करके मंगल कामना करते हैं सबको श्री सीता। चलो जल्दी करो जल्दी चलो जल्दी कर यार बन के
पे जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं वो निकल चुके हैं बद्रीनाथ से अपने धाम बागेश्वर धाम के लिए। और अभी जो बागेश्वर धाम सरकार शास्त्री जी हैं वो बद्रीनाथ से निकल चुके हैं अपने धाम के लिए, और आप लोग पीछे देख सकते हैं सब लोग उनके दर्शन करने के बाद कितने ज्यादा एक्साइट यहाँ पर हैं, क्योंकि जो कल आज इनको काफी जो उनसे मिलने का मौका मिला है। और आप लोग देख सकते हैं पूरा हेलीपैड अभी भरा हुआ था, अभी जो वो चले गए हैं तो सब लोग निकल चुके हैं। तो चलिए आज का ये व्लॉग जो है यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल वाईबी ब्लॉग्स को।